David was a king of Israel and Judah. दाऊद जो था वो इज़राइल और यहूदा का राजा था. He was a king of Israel, a big nation. और इज़राइल जो कि बहुत बड़ा राष्ट्र था उसका राजा था. A powerful nation. एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र. Look at what he says. और देखो उसने क्या कहा. He writes. उसने लिखा. In Psalm 63 verse 1. भजन संहिता के अध्याय 63 उसके पहले वचन में. Pastors, I want you to see this. और पासबारो चाहते हैं कि आप इसे देखें. Businessmen, businesswomen, I want you to see this. और व्यवसायिक महिलाओं, व्यवसायिक मर्द लोग देखो इसको. Executives, young guys and young girls, I want you to see this. और जो नौजवान लड़के लड़कियां सभी लोग देखो इसे. See what David wrote. और देखो दाऊद ने क्या लिखा. It's always challenging for me to do this. हमेशा ये चुनौती देते भाई को ऐसा करने के लिए. See what it says. देखो वचन क्या कहता है. See this. Oh God. बोलो हे देखो यहां लिखा हे परमेश्वर. You are my God. तू मेरा परमेश्वर है. Earnestly will I seek you. मैं यत्न से तुझे तड़के ढूंढूंगा. My inner self thirsts for you. My flesh longs for you and is faint for you in a dry and weary land where there is no water. सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर जहां पर पानी नहीं है. मेरा मन तेरा प्यासा है. मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है. Okay, see what it says. देखो क्या कहता है वचन. Early will I seek you. और तड़के भोर में तुझे ढूंढूंगा. Say it after me. Early will I seek you. In other words, दूसरे शब्दों में, David had a principle of putting God first in his daily schedule. और दाऊद के पास ऐसा सिद्धांत था कि अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में सबसे पहला वो स्थान परमेश्वर को दे. Hello, are you listening? आप सुन रहे हैं? No, first I'll go to the gym. नहीं, सबसे पहले मैं व्यायामशाला जाऊंगा. And then I'll come. फिर उसके बाद आऊंगा. Take a bath. नहाऊंगा. And then I'll sit and pray. फिर मैं बैठ के प्रार्थना करूंगा. Okay. ठीक है. When you come back from the gym, जब आप वापस आते हैं व्यायामशाला से, your friend Jim is already there. आपका दोस्त जिम पहले से आपका इंतजार कर रहा होता है. He's waiting for you. वो आपका इंतजार में रहता है. चल लंच जाएगा. चलो हम दोपहर के खाने में जाएंगे. Okay, I'll have lunch. ठीक है, मैं दोपहर का खाना खाऊंगा. Afternoon silent. उसके बाद खामोशी में प्रभु से. Afternoon your auntie from Mangalore comes in. दोपहर को फिर आपकी आंटी मैंगलोर से आ जाती है. Not to worry. फिक्र मत करना. Night I'll pray. ठीक है, मैं रात में प्रार्थना करूंगा. Night. रात में. Brother Michael said night, no? भाई माइकल ने भी बोला रात को. So you start praying. तो आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं. Hallelujah. 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 And then you wake up in the morning. अभी सुबह उठते हैं. Oh Jesus. Oh Yeshu. I missed it today. गलती हो गई मुझसे. And tell your neighbor, this story has been continuing for months. अपने पड़ोसी को बोलो ये कहानी जो महीनों दर महीने चलती रहती है. How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? You never pray. कभी आप प्रार्थना नहीं करते. Oh, you never pray. कभी आप प्रार्थना नहीं करते. David says. दाऊद ने कहा. Early will I seek you. तड़के सुबह मैं तुझे ढूंढूंगा. First thing I will seek you. पहली चीज मैं तुझे ढूंढूंगा. Somebody shout a hallelujah. कोई चिल्लाएगा हालेलुया. You know, in my life, अपनी जिंदगी में, I messed up many times. बहुत बार इनसे गलतियां हुई. But God spoke to me and said, परमेश्वर ने से कहा बेटे, son, बेटे, people will come and go. लोग आएंगे और जाएंगे. You know, somebody comes and tells me, oh, that fellow wants to meet you. और कोई अगर कहता है वो व्यक्ति तुमसे मिलना चाहता है. Big man, बड़ा आदमी. I said, you go and meet him. भाई कहता है तुम जाके मिलो उनसे. I'm serious. गंभीरता से कह रहे हैं. Because I have to protect my prayer time. क्योंकि मुझे अपने प्रार्थना समय की रक्षा करनी है. Many people tell, oh, you never meet me. I'm meeting you for three years. I'm waiting. Why you want to meet me? Oh, तुम कभी मिलते नहीं. पिछले तीन साल से तुमसे मिलने के इंतजार में हूँ. आप क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? दोस्तों, this is the reason. यह है वजह. Early will I seek you. तड़के सुबह मैं तुझे ढूंढूंगा. You must guard your time with God. अपने समय को परमेश्वर के साथ जो आपका समय होता है रखवाली करनी है. आप ऐसे बहुत साल प्रभु की सेवा करते हैं. I'm serious. This is a rebuke from the Lord. प्रभु की ओर से चेतावनी है आपके लिए. You can sing, you can play the guitar, you can dance for the Lord, but if your personal prayer life is not right, you will be nowhere. I'm warning you, sir. आप चेतावनी दे रहे हैं serving God. All आप सभी लोग जो प्रभु की सेवा करते हैं, सभी मसीह लोग, सभी मसीह लोग जो शिकारा बारा करते हैं ना, all you guys, आप सब लोग, listen to me, all of you, सभी लोग सुनो, put this time with God. परमेश्वर के साथ इस समय को रखो. Early will I seek you. तड़के सुबह मैं तुझे ढूंढूंगा. This is called seeking first. Everyone says seeking first. ये कहलाता है प्रभु को पहले ढूंढना. Said again, seeking first. फिर से कहे प्रभु को पहले ढूंढना. I want to give you a tip over here. और यहाँ पर एक नुस्खा देना चाहेंगे. Can I tell you now? क्या आपको बोल सकते हैं अभी? Write it down. लिख लो. First part of the day is 12 o'clock. और दिन का पहला हिस्सा जो होता है देखो वो है 12 बजे. I said first part of the day is what? First part of the day is what? Midnight. So you finish your prayer like 12 to 1, you finish your prayer. आप अपना 12 से 1 का जो समय है उसे प्रार्थना में बिताएं. Get up in the morning. सुबह को उठो. Brush your teeth and go to work. दांत घस के अपने काम पे जा सकते हैं. You have prayed. आपने प्रार्थना कर लिया है. How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? Early will I seek you. तड़के सुबह मैं तुझे ढूंढूंगा. Jesus, the scriptures say Jesus woke up very early, around about 4 o'clock, 3 o'clock in the morning. So you don't have to do that, but you can put You can pray first and then you can sleep and still you are seeking God early. Hallelujah. वचन ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु मसीह भोर को तड़के 3-4 बजे उठ के प्रार्थना किया करते थे. आपको यह करने की जरूरत नहीं, मगर रात के 12 बजे से 1 बजे तक आप प्रार्थना करके आप सो सकते हैं. फिर उसके बाद आपने प्रभु की खोज कर लिया है. Some of us are night people. और हमें से कुछ लोग रात के लोग हैं. Come on, how many night people? कितने रात के लोग हैं यहाँ? Night birds. Oh yeah.
Some of us are not morning people. We are. और हम में से कुछ लोग सुबह के लोग नहीं. More afternoon people actually. हम दरअसल दोपहर के लोग हैं. Hello. So what I do is I finish my prayer time in the night. तो क्या करना है? रात के समय अपने प्रार्थना समय को मैं पूरा करना है. And I finish it. मैं सब पूरा करता हूँ. Sometimes I have to catch a flight early morning. और कभी-कभी देखो तड़के सुबह आपको फ्लाइट पकड़नी है. Now today's case. और आज का मामला. Early morning meeting. और तड़के सुबह सभा. Finish up everything in the night. रात में सब पूरा करना. God speaks through you. Do this. Do this. परमेश्वर आपसे कहता है ये करो. Wear your suit early morning. Pray for 1 or 2 hours. Come back. Finish. The meeting is a hit. और फिर एक दो घंटे सुबह कर प्रार्थना करके आते हैं और आपकी सभा जो है सफल हो जाती है. कितने समझ गए इस रहस्य को? Said everyone, early will I seek you. सभी लोग कहें तड़के मैं तुझे ढूंढूंगा. So now you have to guard that time. Everyone say guard that time. आपको समय की रखवाली करने की जरूरत है. Otherwise you will always be emotional. I feel like giving up. I feel this. मैं तो हमेशा बोलते रहते हैं मुझे बस हार मान लेना है बस अब नहीं हो सकता मुझसे. My heart is broken. My this is broken. My मेरा दिल टूटा हुआ है. मेरा ये टूटा हुआ है. मेरी पीठ टूटी हुई है. Tell your neighbor something is always broken of yours. अपने पड़ोसी को ले कुछ ना कुछ हमेशा टूटा ही रहता है तुम्हारा. Heart is broken. Hello. Said everyone. Early will I seek you. सभी लोग कहें तड़के मैं तुझे ढूंढूंगा. तड़के मैं तुझे ढूंढूंगा. Many of you, आप में से बहुत सारे लोग, you don't have a prayer life. आपके पास प्रार्थना जीवन नहीं है. Said everyone, prayer life. सभी लोग प्रार्थना जीवन. How many of you, आप में से कितने लोग, you don't have a prayer life. Put your hand up. आपके पास प्रार्थना जीवन ही नहीं. अपना हाथ ऊपर उठाओ. Put your hand up. अपना हाथ ऊपर उठाओ. See some people. देखो कुछ लोग. Bruce Lee, you know. Bruce Lee जैसा. Put your hand up straight. अपना हाथ सीधा ऊपर उठाओ. Can you stand up? 1, 2, 3. क्या आप खड़े हो सकते हैं अपने जगह पर? Stand up. Listen to me. सुनो हमारे. If you want to be successful, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, if you want to be a man, a woman, who when you want to leave a mark on this world, do what I'm telling you. अगर आप ऐसे मर्द ऐसे महिला होना चाहते हैं जो इस दुनिया में अपनी छाप छोड़कर जाए, तो वो करो जो भाई आपको कह रहे हैं. Seek first. सबसे पहले ढूंढो. The kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को. Somebody give Jesus a shout. बोलते हैं यीशु मसीह की भेंट चढ़ाएंगे. You know what somebody is saying? आप जानते हैं किसी ने क्या कहा? Thank God. परमेश्वर का धन्यवाद. I'm not alone. मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ. So many are standing. इतने सारे लोग भी खड़े हैं. Don't worry, sir. फिक्र मत करो. Your story is changing now. आपकी कहानी बदल रही है अभी. Your story is changing now. आपकी कहानी बदल रही है अभी. Somebody shout a hallelujah. कोई चिल्लाएगा हालेलुया. I'm not condemning you. आपकी निंदा नहीं कर रहे हैं. I'm just showing you. आपको बस दिखा रहे हैं. You are good people who are standing. आप अच्छे लोग हैं जो खड़े हैं. There are some smart people. ऐसे कुछ होशियार लोग भी हैं यार. Lord, I'm standing. मैं बैठा हूँ लेकिन अंदर से खड़ा हूँ. प्रभु मैं बैठा हूँ लेकिन अंदर से मैं खड़ा हूँ यहाँ. Such people. ऐसे लोग. May you get a Holy Ghost injection right now. पवित्र आत्मा का इंजेक्शन लगना चाहिए आपको. God bless you guys. परमेश्वर आपको. Give them a big God bless you. जोर ताली की भेंट चढ़ाएं इनको. Said everyone. सभी लोग बोलो. Sit down. बैठ जाइए. A fixed prayer time. और नियुक्त प्रार्थना समय. Said again everyone, a fixed prayer time. सभी लोग नियुक्त प्रार्थना समय. Some of you maybe it's in the morning for you. और आप में से कुछ लोगों के सुबह का समय होगा. Don't miss that. उसे गवाना मत. Tell your neighbor, don't miss your prayer time. अपने पड़ोसी को बोलो अपने प्रार्थना समय को गवाना मत. I said tell your neighbor, don't miss your prayer time. हमने कहा अपने पड़ोसी को बोलो अपने प्रार्थना समय को गवाना मत. This is a secret of many men of God. परमेश्वर के बहुत सारे जनों का ये रहस्य है. This is a secret of many successful people. और ये रहस्य बहुत सारे कामयाब लोगों का. You may be bold, handsome, beautiful, tall, dark, whatever you are, you know. लंबे अच्छे कद काठे वाले रंग रूप वाले हो सकते हैं जो कोई भी. But if you obey this, मगर अगर आप इसका पालन करेंगे, you will be ahead of the bold and the beautiful. Hallelujah. तो आप दूसरे सब रंग रूप वाले से आगे होंगे. Somebody say amen. Why should I seek the Lord, brother? और क्यों मुझे प्रभु की खोज करना है? Why should I seek the Lord early? क्यों मुझे तड़के प्रभु की खोज करना है? Now I will tell you. अब बताएंगे आपको. Now listen. सुनो. You know, man. देखो इंसान. Has a nature, something inside him called self. Everyone says self. S-E-L-F. और देखिए उसके अंदर एक स्वभाव होता है स्वयं के बारे में. Always a man tries to protect himself. हमेशा इंसान जो अपनी ही रखवाली करना चाहता है बचाना चाहता है. Hello? That's why people don't come for intercession because intercession is not about self, it is about others. और इसीलिए लोग जो है प्रार्थना विनती के लिए आना पसंद नहीं करते क्योंकि प्रार्थना विनती जो है अपने लिए नहीं की जाती दूसरों के लिए की जाती है. If you tell them, अगर आप उनसे बोलो come, आओ, brother Michael is going to lay hands on your head, on your stomach and God knows. भाई माइकल आपके सिर पर आपके पेट पर जहां कहीं भी परमेश्वर जानता है हाथ रखेंगे. I tell you, कहते हैं आपसे, people will wait for 3-3 hours. तीन तीन घंटे के लिए लोग इंतजार में रुके रहेंगे. Hello, but tell them. मगर अगर उनको बोलो, now we have to pray for others. हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है. Sorry, I don't have time. माफी चाहता हूँ मेरे पास समय नहीं है. Why? क्यों? Said everyone, it's about the self. ये अपने ही बारे में है. Write this down. लिख लो. When self is enthroned, God is dethroned. जब स्वयं जो है सिंहासन पर विराजमान होता है, तब परमेश्वर सिंहासन से हट गया रहता है. I said. When self is enthroned, हमने कहा जब स्वयं जो है सिंहासन पर विराजमान है God is the
dethroned. तो परमेश्वर सिंहासन से उतार दिया गया है. When God is enthroned, जब परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान होता है, self is dethroned. Hallelujah. स्वयं जो है उसे सिंहासन से उतार दिया जाता है. That's when God starts working for you. और यहीं पर परमेश्वर आप पे काम करने लगता है. That's when God's power starts flowing in your life. और यहीं पर परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी जिंदगी में काम करने लगती है. Somebody say hallelujah. कोई कहेगा hallelujah. I said hallelujah. हम कह रहे hallelujah. Are you listening to me? आप सुन रहे हमारी? See, can I just share with you something? क्या आपसे बांट सकते हैं इस वक्त? Many times. बहुत बार. You know, some friends of mine will come. और भाई के कुछ दोस्त लोग आएंगे. From abroad or somewhere. देश विदेश में से. Pastor Michael, how are you? Hey, Pastor Michael जी कैसे हैं आप? And brother and all that. Now it's my prayer time. और ये प्रार्थना का समय होता है भाई का. Now I love it when my friends are there because there are very few friends. तो बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलना, मिल जाना. मगर उनसे क्या कहते? Thank you very much. बहुत-बहुत शुक्रिया. What? Thank you. क्या? क्या शुक्रिया? In my heart. अपने दिल में. I want to sit and talk with people. लोगों के साथ बैठकर बात करना चाहते हैं. I want to go out. बाहर जाना चाहते हैं. Sit and eat nice. We have fun. अच्छे से बैठ के मजे करें, खाएं पिएं. Tell your neighbor self. अपने पड़ोसी को बोलो स्वयं. Nothing wrong in eating, but it's my prayer time. और खाने पीने में कोई खराबी नहीं है, मगर ये मेरा प्रार्थना समय है. You know what? Okay, so sorry. Okay, bye bye. माफी चाहता हूँ, अलविदा. Remember, Shivam. Thank you very much. Salaam, brother. Bhetu. बहुत बहुत शुक्रिया. चलो मिलेंगे. And suddenly the person, what happened to this guy? और अचानक इस व्यक्ति का क्या हुआ इसे? Self. स्वयं. I want to do it. मैं करना तो चाहता हूँ. But no. मगर नहीं. God. परमेश्वर, you be enthroned in my life. तू मेरे जिंदगी में सिंहासन पर बैठ. Remember, sir, what I taught you. याद रखना जो भाई ने कहा है. I said, remember. याद रखना. How many listening right now? कितना सुन रहे हैं इस वक्त? When you do that, जब आप ये करते हैं, that's the time God starts working for you. यही वो समय जब परमेश्वर काम करने लगता है आपके लिए. Every time you're enthroning self, and now when you need God, God, God से जा रहे. हर बार जब आप अपने आप को सिंहासन पर बिठा रहे हैं, अपने आप को ही बिठा रहे हैं, और फिर जब आपको परमेश्वर की जरूरत पड़ती है, आप कहते हैं परमेश्वर. परमेश्वर बोलता है, जाओ. हेलो, बाजू वाले को बोलो, कभी तो सिंहासन पे बैठा परमेश्वर को. खुद बैठते रहता है, जरूरत के टाइम सिंहासन बोलते ले 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 ले. हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? कितना समझ रहे हैं? एवरी टाइम यू आर सिटिंग ऑन द थ्रोन. हर बार आप ही खुद सिंहासन पे बैठे रहते हैं. गॉड इज स्टैंडिंग. और परमेश्वर खड़ा है. Every time you say Lord, हर बार जब आप बोलते परमेश्वर, sit on the throne, आकर अपने सिंहासन पर बैठ जाओ. He will show up in your life. वो आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाएगा. That's called putting God first. यही कहलाता है परमेश्वर को पहला स्थान देना. That's putting God first. यह है परमेश्वर पहला स्थान देना. Somebody say Amen. कोई कहेगा Amen. I want to close right now. अभी हम खत्म करेंगे इस वक्त. Said everyone seeking God first. सभी लोग कहें परमेश्वर को पहले ढूंढना. Come on, everybody say seeking God first. चलो 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 सभी लोग कहें परमेश्वर को पहले ढूंढना. Come on, say it loudly, seeking God first. चलो जोर से कहें परमेश्वर को पहले ढूंढना. I want to close right now. Go to Psalm 34, verse 9 and 10, and I close. I want to pray right now. Fast. Hurry up, guys. Psalm 34. Fast. बच्चे से तकदीय 34 में देखेंगे. Verses 9 and 10. नवा दसवां वचन. See what it says. Oh, fear the Lord, you His saints. There is no want for those who fear Him. Everyone said, there is no want. Everyone said, there is no want. Meaning what? That you will never be in want. ये दे दे, सौ दे, पचास दे, हजार दे. No. हजार नहीं है, 2000. ठीक है. There is no want to those who fear Him. जो प्रभु का भय मानते हैं तो किसी बात की कमी नहीं होती. Say praise the Lord. मतलब प्रभु की स्तुति हो. God will provide for you. परमेश्वर आपको घटी होते और वे भूखे भी रह जाते हैं. मगर जो प्रभु को खोज करने वाले खोजी लोग हैं, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी. You know, many people say, "Oh, brother, for you to say it's very easy." देखिए, बहुत सारे ऐसा कहते हैं, भाई, आपके लिए बोलना बहुत आसान है. Really? सच में? One day, come and wear my shoes. अगर एक दिन इनका जूता पहनकर देख लेना ना. Then you will understand. फिर आपको समझ में आएगा. Accountant will call up. Accountant आपको कॉल करेगा. Brother. भाई. Check. Bill आ ले. बिल आया है. टीवी का बिल आ ले. 7 चैनल का बिल आ ले. हाउ मेनी लिसनिंग व्हाट आई एम कितने सुन रहे ब्रदर. स्टाफ का बिल आ ले. सो मेनी बिल्स. बहुत सारे बिल. सो मेनी थिंग्स. बहुत सारी चीजें. समटाइम्स यू फील लाइक गिविंग अप. कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है सब कुछ छोड़ दो. इन द मिडिल. बीच में. सम पीपल विल एक्ट लाइक अ IDIOT. How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? Some people are saying, "Idea." How many understanding? कितने समझ गए? Oh, it is so tough. बहुत मुश्किल हो जाता है. What to do? क्या करें? That day, one day, I forgot to take the offering. And then the accountant said, "What, brother?" और एक दिन भेंट लेना छोड़ दिया. Now, what about these bills? Accountant ने कहा कि आपने क्या भेंट क्यों नहीं लिया? अभी कोई बिल के बारे में. Jesus. यीशु. It's tough. बहुत मुश्किल है. Then you have to go before God. फिर उसके बाद आपको परमेश्वर के सामने आना पड़ता है. Then God says. और फिर परमेश्वर कहता है. Son. बेटे. Relax. आराम. Suddenly one person will come. अचानक एक व्यक्ति आएगा. But the last night I had a dream. I had to give you something. Take. Hallelujah. भाई पिछली रात मैंने एक सपना देखा आपको ये देते हुए. Wait. Hello. Brother, it never happens to me. It will happen to you also.
और सिर्फ ये मेरे साथ ही नहीं, आपके साथ भी होगा. It will happen to you also. ये आपके साथ भी होगा. But the point is, मेरा मामला ये है. You need to seek the Lord. आपको प्रभु को ढूंढना है. Somebody shout a hallelujah. कोई चिल्लाएगा हालेलुया. The young lions. Who are the young lions? और जवान शेर, ये जवान शेर कौन है? Who are the young lions? ये जवान शेर कौन है? The young lion is one of the dangerous creatures in the whole of the jungle. और जवान शेर जो होते हैं जंगल में के सबसे खतरनाक प्राणी होते हैं. Nobody messes around with a lion. कोई उनके साथ ऐसा मस्ती या गड़बड़ी नहीं करता. The young lion is strong. एक जवान शेर बहुत ही मजबूत होता है. Yet the Bible says. मगर फिर भी बाइबल कहती है. For lack and hunger. उन्हें भी कमी घटी होगी. Hallelujah. Bible says you are a young lion, so what? बाइबल कहते हैं तुम जवान शेर हो तो क्या हुआ? Hallelujah. बूढ़े शेर के दांत भी गिरे होगा तो खुदा अगर से ज्वाइन करेगा ना उसको खुदा खाना देगा. Don't worry. Today I prophesy. फिक्र मत करो, आज भविष्यवाणी करते हैं भाई. You are saying you have no job. आप ऐसे कह रहे हैं आपके पास कोई नौकरी नहीं. You are saying things are not happening. आप ऐसे कह रहे हैं चीजें नहीं हो रही आपके लिए. Put this word to the test. और इस वचन को परीक्षा में लाकर देखो. Then you see what God is going to do in your life. फिर कहते हैं कि देखना परमेश्वर क्या करता है आपकी जिंदगी में. Everyone lift your hand and say, I will seek the Lord. सभी लोग अपने हाथ उठाकर कहें मैं प्रभु को ढूंढूंगा. I shall not lack anything. मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी. Let everyone, I shall lack no anything. सभी लोग कहें मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी. Hallelujah. Hallelujah. As you are seeking the Lord. और जैसे आप प्रभु की खोज करते हैं. Every desire of yours will be met. आपकी हर एक तमन्नाएं पूरी की जाएंगी. Zacchaeus, he was seeking the Lord. वो प्रभु की खोज कर रहा था. He said, I want to see this Jesus. उसने कहा कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ. I want to see this Jesus. मैं इस यीशु को देखना चाहता हूँ. But woe is me, I'm a short man. मगर हाय मुझ पर क्योंकि मैं एक नाका व्यक्ति हूँ. I'm only 5 feet. मैं तो सिर्फ 5 feet का हूँ. All these Israeli fellows are 6 feet tall. और ये सभी इजरायली लोग जो है ये तो 6 feet के हैं. How will I see Jesus? मैं कैसे यीशु को देख सकूंगा? But the Bible says. मगर बाइबल कहती है. God has prepared things for those who love Him. Hallelujah. परमेश्वर इन चीजों को तैयार करेगा उसके लिए जो उसे प्यार करते हैं. He ran. वो दौड़ता है. He said, I want to seek Jesus. वो लोग कह रहा था मैं यीशु देखना चाहता हूँ. There's a tree over there. वहाँ पे पेड़ था. He climbs on the tree. उस पेड़ में चढ़ जाता है. Hallelujah. And he sees Jesus. और वो यीशु को देखता है. What are you trying to say, brother Michael? भाई बकर आप कहना क्या चाह रहे हैं? I'm trying to say this. मैं ये कहना चाह रहा हूँ. That did God plant the tree in the morning? क्या उस पेड़ को परमेश्वर ने सुबह लगाया? Let me go here. Did God plant the tree in the morning? क्या परमेश्वर ने इस पेड़ को सुबह ही लगाया? Michael, Angel Gabriel, today Zacchaeus is going to seek me, so bring that tree from somewhere and put it over there. आज Zacchaeus मुझे ढूंढने वाला है, तो उस पेड़ को वहाँ कहीं से लेकर आके यहाँ पे लगा देना. No. नहीं नहीं नहीं. Tell your neighbor. अपने पड़ोसी को बोलो पड़ोसी. God has already prepared the things for you. Hallelujah. परमेश्वर ने पहले से ही चीजों को तुम्हारे तैयार करके रखा है. Hallelujah. Where is my life partner? Where is my life? कहाँ है मेरा जीवन साथी? कहाँ है मेरा जीवन साथी? Seek the Lord. जैसे आप प्रभु को ढूंढते हैं. That person is going to appear right in front of you. बिल्कुल सामने प्रकट हो जाएगा. Where is my job? Where is my मेरी नौकरी? As you seek the Lord. जैसे आप प्रभु की खोज करते हैं. Your job is going to stare at you in your face. आपकी नौकरी जो है आपके चेहरे के सामने खड़ी होगी. Receive in Jesus name. यीशु के नाम में. I'm a man of God. Receive. भाई परमेश्वर के जरिए ले लो. Hallelujah. Hallelujah. That tree was already prepared. और वो पेड़ पहले से वहाँ तैयार था. As just you have to seek the Lord. बस आपको प्रभु को ढूंढना है. That's called aligning your direction in God's direction. और यही कहलाता है कि परमेश्वर की दिशा मार्गदर्शन की ओर अपना मार्गदर्शन कर देना. Somebody say amen. कोई कहेगा आमेन. Amen. Amen. That day. उस दिन. Jesus did not go to any house. यीशु किसी और के घर में नहीं गया. He went to Zacchaeus' house. Hallelujah. Zacchaeus के घर में गया. Hallelujah. Zacchaeus. क्या Zacchaeus? Everybody is calling you chor. सभी लोग तुम्हें कहते हैं चोर. But I am coming to your house. मैं तेरे घर में आ रहा हूँ. Because क्योंकि you sought my face. तूने मेरे चेहरे को ढूंढा. Somebody say amen. कोई कहेगा amen. Hallelujah. बोलो hallelujah. May God come to your house today. परमेश्वर आपके घर में आ जाए. You took the time and you came to seek the Lord. आपने समय निकाला प्रभु को ढूंढने के लिए. Every fight in your house. आपके घर के हर एक fight. Every confusion in your house. Let it be settled right now. Let the shalom of God come. How many receiving right now? You cannot change things. You cannot change the heart of your wife. She doesn't trust you. But when you seek the Lord, something will happen in her heart. Things will change. Lift your hand and say, I receive in Jesus' name. I said, lift your hand and say, I receive. अपने हर जगह मैं ग्रहण करता हूँ. Your children. आपके बच्चे Your hearts will be changed. उनके दिल बदल दिए जाएंगे. Somebody say amen. कोई कहेगा amen. Seeking the Lord. प्रभु की खोज करना. Are you listening? Yes sir. जी हाँ. That's the beauty of seeking the Lord. यही तो खूबसूरती है प्रभु की खोज करने की. Everyone say God has prepared already things for me. परमेश्वर ने पहले ही चीजों को मेरे तैयार करके रखा है. तुम मिलता क्यों नहीं यार? How many of you have that word? कितनों के पास ये बात? ये तो बात बोलो. प्रभु ने already prepare किया है. प्रभु मिलता क्यों नहीं यार? The problem is,
You're going in your direction, not in the direction of God. What is seeking the Lord? प्रभु की खोज करना क्या है? Going in the direction, उस दिशा में जाना, of God, परमेश्वर की ओर. Hallelujah. You think you messed up in life? आप सोचते हैं जिंदगी में आपने गड़बड़ कर दी? I messed up many times. भाई से भी बहुत बार हुआ है. You forgot. I tried to commit suicide. You're a good person. आप भूल गए कि भाई ने कोशिश भी की खुदकुशी करने की. आप तो अच्छे लोग हैं. When I started seeking the Lord. जब भाई ने प्रभु की खोज करना शुरू किया. I didn't get the ministry from my dad. इनको सेवकाई जो इनके पिता से विरासत में नहीं मिली है. My father was not a pastor. इनके पिताजी पासबान नहीं. He was just an ordinary Mangalorean guy. सीधे साधे मैंगलोरियन व्यक्ति जो यहाँ बैठे हैं. Hello. Lift your hands. अपना हाथ उठाइए. If you act smart today. अगर आज होशियार बनने की कोशिश करेंगे. God will just pass you by. तो परमेश्वर बस आपके बगल से गुजर जाएगा. पर you're a man. एक मर्द है यहाँ. You have a problem with your head. और आपके सिर में कोई तकलीफ है. You know, I don't know what it is. पता नहीं क्या. Just lay your hand on your head. अपने हाथ अपने सिर पर रखो इस वक्त. No, women also can pray. There's some. महिलाएं भी प्रार्थना कर सकती हैं. Some issue in your head. कुछ तो आपके सिर से जुड़ा मामला है. Lord is healing you right now. प्रभु आपको चंगा कर रहा है इस वक्त. I'll tell you what. और बताते हैं क्या. Even the doctor said to do a scan or something like that. God is healing you right now. यहाँ तक कि डॉक्टर ने आपसे कहा कि आपको स्कैन कराना होगा, जांच परीक्षण कराना होगा, ऐसा सब, मगर परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है. I notice one thing, when people worship God. और एक बात को भाई गौर से देखते हैं कि जब लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, अगर वो व्यक्ति यहाँ है तो जल्दी से आप आगे आ जाओ. डॉक्टर ने आपसे स्कैन कराने के लिए कहा है. And, you know, you suspecting something weird. और कुछ अजीब आप ऐसा महसूस करते हैं. It's like even you were due for an operation. और यहाँ तक कि आपको ऑपरेशन कराने की भी सलाह दी जा रही है. Operation got postponed. और आपका जो ऑपरेशन का कार्य जो रद्द हो गया है. I want you to come in front. You're like a man. You're taller than me. Oh, let me just raise your hand up so I know from where the guy is coming. Oh, that's a guy. Come in front, come in front. Give the Lord a shout. Come on, somebody. Stand over here. What happened? Yes, brother. His name is Richard. He was supposed to go. Doctor has told him to do an operation on his head. Oh, doctor ne kaha tha ki sir mein ka operation kara jaye. Okay. What's wrong with his head? He's getting fits, pastor. How many years? Inko mirgi aata rehta tha. From birth, pastor. How old is he? 24, 25? 19. 19 साल के हैं ये. Mother, stand with him. There is some demonic power leaving your family right now. Thank you. कोई दुष्शक्ति आपके परिवार से निकल रही है इस वक्त. Something is happening right now in his head now. कुछ तो हो रहा है इस वक्त इनके सिर में. Father, in the name of Jesus. पिता यीशु के नाम में. I command every power of darkness over his head to be go in Jesus' name. मैं आदेश देता हूँ कि हर एक अंधकार की शक्ति जो इनके सिर पर से चली जाए यीशु के नाम में. Every power that is tormenting this family, leave in Jesus' name. हर एक अंधकार की शक्ति जो इस परिवार का साथ आते निकल जाए यीशु के नाम में. Every power of the devil that is tormenting this guy. हर एक शैतान की सामर्थ जो इस व्यक्ति को सताती है. Let it leave his life in Jesus' name. निकल जाए इसकी जिंदगी से यीशु के नाम में. Lord, I break every connection. प्रभु हर एक संपर्क को आप तोड़ते हैं इस वक्त. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Ladies, stand up. I'll tell you where this entered. You were carrying this child when you were pregnant. Listen to me. I'll tell you the source. जब आप गर्भवती थी. When you were pregnant. जब आप गर्भवती थी. You know, there was some kind of accident. और एक प्रकार का ऐसा एक्सीडेंट हादसा हुआ था. Were you involved in some kind of accident or something? I know it is 19 years. Were you involved in some kind of accident? I had gone lot of pain and suffering. No, I'm not talking about pain and suffering. I'll tell you, madam, that you were involved in some kind of accident. That thing entered you when you were carrying this child in your womb. And today I break that connection from you to this child in Jesus' name. Now hear me very carefully. To the extent I saw you bleeding, hallelujah. यहाँ तक कि आपको लहू लुहान लहू बहते हुए देखा. And that thing entered you over there. और वो चीज़ वहीं आपके अंदर आ गई. I met a minor accident. I don't know what kind of accident, but I seen some kind of accident. Thank you, Lord. कुछ प्रकार के हादसा, यानी एक्सीडेंट देख रहे भाई. From the scooty. When you were carrying this guy. Yeah. Yes. And you know something? That spirit tried to even kill this baby.
और उस आत्मा ने कोशिश की इस बच्चे को खत्म करने की. But today says the spirit of God. आज प्रभु का आत्मा कहता है उसे. That thing is leaving his head today right now in Jesus. और वो चीज आज निकल रही है आज इनके सिर से यीशु के नाम में. Glory, amen. They want to open up his skull. Thank you, Lord. They want to open up his skull. उन्होंने ऐसा कोशिश की इसके खोपड़ी खोलने की. The doctors have advised to open up skull. डॉक्टर ने ऐसा सलाह दिया कि. Yes. God says there will be no need for an operation in Jesus. परमेश्वर कहता है कि ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है. Amen. Glory to you. Bless you, Lord. Glory to you. Lift your hands up. Sir, lift your hands. अपना हाथ उठाओ. Lift your hands. I'll tell you why I will take this testimony. I love this guy. Come here. You stand there. Okay. You know this boy. See, already they are saying so sweet, so sweet. See, क्या रे तू क्या लगाता मुंह पे? I love him. Listen, last Sunday. पिछले रविवार. He came. Yeah. He joined his hands like this. ऐसे हाथ जोड़ते हुए. And said, Brother Michael. कहने लगा भाई Michael. Pray for my dada. मेरे dada के लिए प्रार्थना कर. My dada has no job. मेरे dada के पास कोई नौकरी नहीं है. How old are you, son? 16 years. I know. 16-year-old son. 16 साल का बेटा. Coming and saying, my dad has no job. मेरे पिताजी के पास नौकरी नहीं है. Something happened in my heart. कुछ तो इनके दिल में हुआ. For a boy to say like that. और एक लड़के को ऐसा बोलने के लिए. Is not easy. ये आसान नहीं है. How many agree with me? कितना सहमत है? Are you listening? That very moment I told him. उसी पल भाई ने इनसे कहा. Your dad is getting a new job. तुम्हारे पिताजी को नई नौकरी मिल रही है. Don't worry, it's all right. That's his mother. I love young people. I love young people. I may not act very goody-goody with you. I'm a little tough. But I pray for you. I do pray for you. What happened, son? Daddy got a job. Daddy got a job? Yeah. It's impossible to get a job at that age, no? David, no? Yes. When I met him in Dubai, I told him one thing. David, God is giving you a job. He got a job? Dad, hallelujah. That's his offer letter. That's his offer letter. Wow. That's his offer letter. Son, show it. Son, show it. Yeah. Double the salary what he used to get last time. May God give him more in Jesus' name. Hallelujah.